मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वेजिटेबल मंचूरियन बनाने जा रही हूँ। ये बड़ा ही जल्दी बनने वाला रेसिपी है। ये चाइनीज डिश है, बच्चे बड़े सभी इसे बहुत ही पसंद करते हैं। इसे आप कभी भी बना सकते हैं, कोई किट्टी पार्टी हो या शाम का स्नैक्स के रूप में। तो चलिए हम वेजिटेबल मंचूरियन बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल मंचूरियन बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है पत्ता गोभी। ये 200 ग्राम गोभी है जिसे हमने घीच लिया है। 2 कैरेट को हमने घीच लिया है। 2 चम्मच मैदा लिया है। 4 चम्मच कॉर्न फ्लोर। टेस्ट के अनुसार सॉल्ट यूज करेंगे। रेड चिल्ली, गरम मसाला, व्हाइट विनेगर, सोया सॉस, रेड चिल्ली सॉस, टोमेटो सॉस, तेल, कैप्सिकम को काट लिया है, लहसुन हमने 20 से 25 कली को काट लिया है, एक बड़ा साइज ऑनियन चॉप कर लिया है, स्प्रिंग ऑनियन काट लिया है, 5 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है और 1 इंच अदरक को हमने बारीक काट लिया है। हम एक बाउल लेंगे और इसमें सारे सब्जी को हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे पत्ता गोभी, कैरेट, ऑनियन, इसमें से हम आधा हरी मिर्च भी डाल देंगे, कैप्सिकम डाल देंगे, और हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मैदा डालेंगे और कॉर्न फ्लोर डालेंगे। थोड़ा सा हम कॉर्न फ्लोर बचा लेंगे जिसका हम ग्रेवी में यूज करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। 1 चम्मच से थोड़ा कम गरम मसाला डालेंगे। 1 चम्मच सॉल्ट डालेंगे और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम चम्मच को हटा देंगे और इसे हाथ से अच्छे से मैश लेंगे। आपको थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर कम लगे तो और डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसका बॉल अच्छे से बन जाएगा। सब्जी और कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथ को हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे क्योंकि हाथ में बॉल चिपकने ना पाए, और हम एक बॉल के बराबर उठाएंगे और इसे अच्छे से गोली बना लेंगे। तो ये होगा अपना मंचूरियन बॉल। तो ऐसे हम सारे बॉल को, थोड़ा बड़ा छोटा तो होना ही है, ऐसे हम बना लेंगे। बॉल्स हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। तो हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रख लिया है। तो तेल गर्म हो गया है अपना, हम एक बॉल डाल के चेक कर लेते हैं। तो धीरे से हम एक बॉल छोड़ेंगे। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें हम सारे मंचूरियन का बॉल्स डाल देंगे। थोड़ा ध्यान रहे, आराम आराम से तेल है तो डालें। तो हम एक बैच बॉल डाल दिए हैं। बॉल तेल में हम थोड़ा कम ही डालेंगे कि चारों तरफ से उसके तेल का कवरिंग हो जाए। और अब हम मीडियम फ्लेम करके इसे अच्छे से ब्राउन होने तक पकने देंगे। ऐसे घुमा घुमा के हमने बॉल्स को अच्छे से ब्राउन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट पर टिश्यू पेपर रखेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो ऐसे हम बॉल्स को निकाल लेंगे। तेल को हम ऐसे गिरा देंगे और बॉल्स निकाल लेंगे।
ये बड़ा ही पेस्ट्री बॉल तैयार हुआ है। अब हम ऐसे ही दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे। तेल तो अपना गर्म ही है, उसमें हम एक एक बॉल्स को आराम आराम से छोड़ देंगे। बैच भी रेडी है, अब हम इसे भी ऐसे ही निकाल लेंगे। झरनी को टेढ़ा करेंगे और तेल को निकाल देंगे, फिर ऐसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सुनहरा कलर आया है अपने बॉल्स पे। हम गैस पे पैन रखेंगे, ये वही पैन है जिसमें हमने बॉल फ्राई किया था। तो हमने एक्स्ट्रा तेल निकाल लिया है और इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तो ऐसे चम्मच से हमने 2 चम्मच तेल डाला है। गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ गार्लिक। गैस का फ्लेम हम एकदम तेज रखेंगे और इसे ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब हम उसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ अदरक और इसे हम 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। हमें ज्यादा नहीं ब्राउन होने देना है, हल्का सा रोस्ट करना है। गार्लिक का कलर चेंज हो गया है, अब हम डालेंगे स्प्रिंग ओनियन का व्हाइट पार्ट। इस सारे सब्जी को हम तेज फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे जिससे इसका क्रंच बरकरार रहे। तो इसे हम 1/2 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब तक गार्लिक अपना फ्राई हो रहा है तब तक हम कॉर्नफ्लोर का घोल बना लेंगे। तो हम लेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच व्हाइट विनेगर, 2 चम्मच रेड चिल्ली सॉस। आपको तीखा पसंद है तो चिल्ली सॉस बढ़ा सकती हैं। और इस स्पाइस को कवर करने के लिए हम डालेंगे टोमेटो केचप, तो ये भी हम 2 चम्मच ही डालेंगे। और इसके साथ हम डालेंगे पानी और एक अच्छा सा बेटर बना लेंगे। तो इसे हम ऐसे घोल घोल के गुठली खत्म होने तक घोलेंगे और एक अच्छा सा बेटर बना लेंगे। आपको ग्रेवी वाली खानी है तो बेटर को पतला बनाइए, और ड्राई रखना है तो बेटर गाढ़ा होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे नमक, तो नमक हमने पकौड़े में भी डाला था, इसके लिए थोड़ा ही डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं गार्लिक, मिर्ची और स्प्रिंग ओनियन का कलर चेंज हो गया है। अब हम ये घोल को ला लेंगे और इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे। तो इसे हम अच्छे से 2 मिनट तक पकने देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे नहीं तो कॉर्नफ्लोर नीचे जम जाएगा। कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छे से पका लिया है, अभी इस स्टेज पे हम डालेंगे अपना मैंचूरियन बॉल। आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो पानी की मात्रा बढ़ानी है और कुछ नहीं। तो इसमें हम धीरे धीरे बॉल्स को छोड़ देंगे। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे स्प्रिंग ओनियन और गैस को हम ऑफ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अपना मैंचूरियन बॉल बनकर तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे, तो आराम आराम से हम बॉल्स को इसमें निकाल लेंगे। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं
अपना वेजिटेबल मैंचूरियन बॉल्स बनकर तैयार है। इसे आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिए। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।